ग्रामीणों के साथ पुलिस की जोर जबरदस्ती का मामला जमोड़ी चौकी अंतर्गत नौरिया का है, जहां पर पुलिस के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदार द्वारा जबरन बैरिकेड हटाने को लेकर हुआ है विवाद। सीधी में बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा नेक गांव की सीमा को सील कर दिया गया है, किंतु गांव के पास ही चल रहे रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य में लगे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, तो ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा जबरन बैरिकेड को हटाया जाने लगा, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। मामले को बढ़ता देख ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तो मौके पर पुलिस पहुंचकर बैरिकेड हटाने लगी, लेकिन तब तक गांव के सरपंच एवं उप सरपंच पहुंच गए और कोविड नियमों का हवाला देकर बैरिकेड हटाने से मना कर दिया। तब पुलिस के द्वारा रोड के बगल से अफसर पांडे के खेत में एक अस्थायी रास्ते का निर्माण कर दिया गया, किंतु किसान अफसर पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो पुलिस वालों के द्वारा किसान के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए उसे थाने ले गई। इस बात की खबर लगते ही R9 भारत की टीम मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों से बात की। जब इस बात को लेकर जमोड़ी चौकी प्रभारी शेष मणि मिश्रा से बात की गई, तो उनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। रेलवे वाले ट्रक लाद के यहाँ आया, ड्राइवर लोग पहले जा रहे थे, उसके बाद हमको सूचना मिली, तो सूचना मिली तो हम दौड़ के आए कि गाड़ी धीरे खींच कर जाएगी, रास्ता निकालना है। तब तक उसका ठेकेदार है रेलवे वाला, जाके अपने ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार दो पुलिस वालों को ले जमुना प्रसाद प्रजापति ग्राम नौढ़िया उप सरपंच। उप सरपंच है आपके यहाँ के, ये कितने बजे घटना है? ये घटना करीब 12 बजे की है। क्या दिक्कत, किस कारण से ये रोड में जाली जो लगी है सुरक्षा व्यवस्था की, हाँ। उसको कंपनी वाले लोग जबरदस्ती पुलिस के माध्यम से खुलवा रहे थे। अच्छा, ये जाली जो सामने लगी हुई है, जो जाली सामने लगी हुई है, उसको खोल रहे थे? बोलो, कंपनी वाले खोल रहे थे? कंपनी वाले पहले खोल रहे थे, जब मना किए तो पुलिस वालों को बुलाए, पुलिस दो पुलिस आई, पहले एक गाड़ी पुलिस आई जिसमें 4-6 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये जाली नहीं खुलेगी। इसके बाद त्रिपाठी जी पुलिस वाले आए, उन्होंने जोर जबरदस्ती किया और जाली खुलवाने लगे, तब हम लोग मना किए। जब मना किए तो वो उन्होंने जबरदस्ती हम पर, हम लोगों पर मारपीट करने लगे कि जाली खुलेगी, हम ही लगवाए हैं, हम ही खोल रहे हैं, तो हम कहें आप नहीं खुलवाए हो, आप SDM साहब खुद आके यहाँ पर जाली लगवाए। मारपीट किसके साथ हुई है? मारपीट मकबर को धक्की धक्का दिए, उनकी पत्नी है ये, उनकी पत्नी आइए, और उनको छेदी पंडित के लड़का को पकड़ के पुलिस वाले जबरदस्ती ले गए, मारे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना फिर के बावजूद है, जब सरपंच आए गए जाली नहीं खोले दिन, वो मना कर दिन, तो रोड के 50 खुदवाए के पुलिस वाले दूसरा रास्ता फिर से बनवाए दें, तो ट्रक निकले के अगर रास्ता है तो आदमी के काहरों का जाला है, हम लोगों का मतलब जेल हो और प्रशासन राज्य करे, रास्ता ओका खुली है हमका बंद है, तो हमका काहे प्रशासन मार रही है? और किसी को उठा के भी ले गए हैं, और हाँ। छेदी पंडित के लड़के को मारते हुए उठा के लेके गए हैं। वो क्या कुछ गलती किया था क्या? कुछ नहीं, बस यही कह रहा था कि हम अपने खेत से गाड़ी नहीं निकालने देंगे, मतलब से वो गाड़ी नहीं निकालने देंगे। अब आप क्या चाहते हैं इसलिए जी? अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन अगर नियम के खिलाफ काम कर रही है पुलिस प्रशासन, तो उस पर कार्रवाई की जाए जी। और मारपीट जिसके साथ हुई है तो वो नहीं है? आप हैं? आप मेरे पति थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमंत्रा साकेत है। तो आपके पति का नाम? मारपीट नहीं होगा, बोले क्यों खोल रहे हो, और हमको बोले हैं पुलिस वाले कि यहाँ नहीं खुलना चाहिए। भाई जब खुलना है तो सब पब्लिक भी आ जाए, सबके लिए खुले, क्यों सरकारी के लिए खुल रहा है भाई? सब शासन सब एक जैसे होना चाहिए। वो बोले कि नहीं हमको गाड़ी निकालना है, हम ले जाएंगे। हम बोले कि जो कैसा पुलिस है कि आया, एक जन बंद किया एक जन खोल रहा है, भाई पूरे पब्लिक के लिए खोलना चाहिए, अगर नहीं खुलता है तो वो बंद रहे। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम है त्रिवेणी साकेत। अभी वो कहाँ पर हैं? वो अभी गए हैं सुहा सराई।
सरई गए धक्का दिए मारपीट किए मतलब मारे नहीं धक्का। और यहाँ पे घटना के पास आप भी मौजूद थे ना जी हाँ। आपका क्या कहना है बताइए छोटू जायसवाल आप भी यहाँ पर थे जी हाँ साथ में थे सब लोग जी। आप क्या क्या देखे? हम यही देखे वो जबरदस्ती आके पुलिस वाले कर रहे थे जाली खुलवा रहे थे हम मना किए ठीक है ना। पहले शुरू पुलिस एक गाड़ी फोर्स आई का उसको क्या वो बोले कि नहीं खुलेगी जाली। फिर इसके बाद सिविल ड्रेस में आए एक पुलिस वाले और दिनकर गुरु थे जमोड़ी थाना से वो आए जबरदस्ती करने लगे जाली खुलवाने लगे। जाली को मना किया गया तो मतलब धक्का मुक्की देने लगे सबको गाली देने लगे कि 20 लाठी मारूंगा मादर को दो अभी मैं सबको ले जाऊंगा अंदर कर दूंगा। वीडियो नहीं बनाया वीडियो बना हुआ है वीडियो है मतलब पुलिस वालों को वीडियो नहीं है बाकी जो जाली खोले हैं जबरदस्ती बनाना था वीडियो पुलिस वाले को भी नहीं बनाने दिए ना इसलिए वीडियो नहीं बन पाया है। अच्छा हाँ बाकी जो जाली खोल रहे थे कंपनी के लोग उन लोग का वीडियो सब बना हुआ है गाड़ी का नंबर भी है उन लोग का जितनी गाड़ी खड़ी थी सबका वीडियो बना हुआ है। अब इसमें क्या चाहते हैं आप कि क्या कार्रवाई हो? चाहते हैं कि मतलब नियम के खिलाफ कर रहे हैं पुलिस वाले तो ऐसा ना करें कानून तो सभी के लिए है बैरिकेड तो सभी के लिए लगा हुआ है बिल्कुल तो नियम के खिलाफ ना करें बस यही चाह रहा हूँ। हम यही जानना चाहते हैं कि दिनकर त्रिपाठी कितना घूस खा के और हम लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। आपको शंका है कि वो पैसे लेकर ऐसा कर रहे थे? शंका है या कि घूस है या किसी पारस में पकड़ में किसी न किसी कारण से हर पुलिस वाले तो हमको आदेश दे के जा रहे हैं कि इस याली की सुरक्षा व्यवस्था करना और दिनकर त्रिपाठी खुद आके जोर जबरदस्ती करके पुलिस को बुला के और दो चार को और सेदी पंडित के लड़के को मारते हुए मतलब ले गए साथ में तो हमको तो यही है कि बिना कार्रवाई के बिना रिपोर्ट के पुलिस काहे ऐसा हफला कर रहा है कि माने जेहन तो पावे तेहन तो मार के ख़त्म कर दे पुलिस और पब्लिक चुप कर दे लग रहा है काहे पब्लिक के साथ ये मेरा अन्याय अत्याचार टीम डाल रहा है। एक गाड़ी फोर्स पहल शुरू आई थी तो फोर्स बोली कि नहीं खुलेगी जाली दिनकर ग्रुप किस आदेश से आए और किस आदेश से पब्लिक को परेशान करने लगे किस आदेश से जाली खुलवाने लगे मारपीट क्यों करने लगे जब एक गाड़ी फोर्स आई थी तो मना करके चली गई तो ये क्यों आए? और ये जाली लगवाने कौन आया था? कैसे जाली जो लगी है जब ये कौन आया था लगवाने? सरपंच लगवाए हैं हमारे यहाँ। हाँ तो फिर खोलने का अधिकार सरपंच का ही है। जब उनको फोन लगाया गया तो आए थे तो मना करके चले गए। हाँ जाली नहीं खुलेगी तो अभी जबरदस्ती कर रहे हैं पुलिस वाले। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से नीचे से कागज दस्तावेज निकलवा रहे हैं डस्ट उड़ रहा है कि इसमें भी पब्लिक परेशान होगी इसके लिए भी सुरक्षा किया जाए कि डस्ट में जो उड़ रहा है तो ये पानी वानी डलवाया जाए कि डस्ट ना उड़े इतना मेरा निवेदन है। फिर रोड में जाली लगाने का मतलब क्या है जब गाड़ी घोड़ा निकल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं के फुटबा के पचासा और गाड़ी निकलवा दिए रोड बनवा दिए दूसरा किसी चलिए ठीक है इसमें कार्रवाई होगी देखिए बड़े प्रशासन मतलब क्या करते हैं। इतना ही चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ न कुछ इसका समाधान निकाला जाए पुलिस ऐसा क्यों कर रही है जब पुलिस ऐसा हो गया अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सेवा करने के लिए बनी है जब पुलिस हमें करेगी तो हम लोग क्या कर सकेंगे। ठीक R9 भारत के लिए राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट सीधी।